अध्यात्म की ओर जब मेरे कदम बढ़ने लगे तो मुझे अपना समझकर हक जताने वाले कई लोगों ने समझाया, देखो अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है कि तुम भगवान के बारे में सोचो, अभी तो जिंदगी जीने की उम्र है, बुढ़ापे में ये सब सोचना। सबको समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, ज़रूरी भी तो नहीं, अपना पक्ष रख भी दूंगी तो क्या वो समझ जाएंगे? तर्क तो फिर भी करेंगे, यही तो खासियत है इस सृष्टि की, जो जहाँ है उसे वहीं होने का गर्व है। एक ही नज़ारे को हर कोई अपने नज़रिए से देखता है, सब अपनी अपनी जगह सही है, साथ ही अपने इस सच को साबित करने के लिए हजार तर्क भी होते हैं उनके पास। तो क्या अध्यात्म वो दवाई है जिसे ढलती उम्र में ही खाना चाहिए, तब जब शरीर साथ छोड़ने लगे, कब्र में पांव लटकने लगे और मन बावला होकर बवाल मचाने लगे? क्या तब तक खुद को इतनी ढील दे दें कि तन अपनी अकड़न और मन अपनी ऐठन की ऊंचाई छू ले, फिर उस अस्वस्थ शरीर में बसे अस्वस्थ मन को ध्यान में लगाएं, पूरी जिंदगी जिसका अभ्यास किया है उसे मिटाएं, इतने सालों से खींची उस गहरी लाइन को हल्की करने का जतन क्या सफल हो जाएगा? इतिहास के पन्ने पलटे तो पाएंगे, सतयुग हो या द्वापर युग, जैसे ही बच्चे 5 या 6 साल के हुए उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया, ज्ञान की प्राप्ति के लिए महान ऋषियों की शरण में बच्चों को छोड़ दिया जाता था। उस समय का ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता था, अपने स्वरूप का ज्ञान होता था। संसार मेरे अंदर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा संसार बना सकता हूँ, मैं खुद अपने भाग्य का विधाता हूँ। इस सत्य को अच्छी तरह जानकर समझकर व्यक्ति संसार में आता था और अपने कर्म करता था। पहले आत्मा का ज्ञान बेसिक एजुकेशन का हिस्सा होता था, आज की तरह नहीं था जब मॉरल साइंस का एक वीकली लेसन लिया जाता है। क्या आज के बच्चे अनजान नहीं हैं सच से, अपने स्वरूप से, अपनी ताकत से? कहीं इसलिए तो नहीं वे खुद को इतना कमज़ोर समझते हैं, भाग्य के हाथों का खिलौना समझते हैं, क्योंकि उनका खुद से कोई साक्षात्कार नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।